दोस्तों अपना क्या चल रहा था? पेपर वाला सीरीज दो हो गई, तीन या चार में कंप्लीट हो जाए। इस सीरीज को आप दो तीन चार बार देखना, लगभग प्रश्न आपको इनके इर्द गिर्द ही मिलेंगे। अब आगे के टॉपिक बचे थे नदियों से संबंधित। देखो, राजस्थान में परवा कितने रूप में पाई जाती है? ठीक है, यानी वो क्या पूछ रहा है? परवा पूछ रहा है कि कितने रूपों में पाया जाता है। देखो, चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, देखो जैसे ये भारत का मैं मैप बनाता हूं, इधर कौन सी खाड़ी आप सब जानते हो? बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सी है? अरब सागर। वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, वो हो गई बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। सब जानते हो, बीएड कर रहे हो। वे नदियां जो अरब सागर में गिरती है, वो हो गई अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। दो टाइप हो गए। तीसरा तीसरा टाइप देखो क्या है। वे नदियां जो कहीं नहीं जाती, ना बंगाल की खाड़ी में जाती है भाई, ना अरब सागर है, तो सर कहां जाती? कहीं नहीं जाती, यहां से निकली यहीं खत्म। उन्हें कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह है यानी अंदर ही रह गई। पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्या आया, उसने आंतरिक प्रवाह नाम नहीं दिया। रुंडित नदियां, निम्न में से रुंडित नदी है, उसे ही रुंडित नदी कहा जाता है। यानी राजस्थान की भी नदियां होगी जो अरब सागर की ओर जाएगी और बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, इनमें कोई रटने वाली। यानी तीन प्रकार हो गया, इसका उत्तर होगा तीन, लेकिन आगे की दो बातें और कर लेते हैं। यानी तीन टाइप से नदियों का प्रवाह, एक अरब सागर की ओर जाने वाली, एक बंगाल की, एक कहीं नहीं जाने वाली। तीन टाइप, द टाइप्स ऑफ थ्री। देखो चीज क्या सीखनी है अपने को, कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। अगर नदियां आपसे ढंग से पढ़ी हैं तो देखो, इधर एक नदी निकलती है लूणी और ऐसे बहती हुई इधर जाती है, इसका मतलब इधर कौन सी सागर है? अरब सागर। यहां से एक नदी निकलती है माई और इधर जाती है, यानी कहां जाके गिरी? अरब सागर में। एक नदी है पश्चिमी बनास और एक है साबरमती, ये चार नदियां इधर जाके गिरती है। अब एक चीज और ध्यान दो, देखो ये अरब सागर है दोस्तों, अरब सागर के दो पार्ट है, यानी ये हिंद महासागर के दो पार्ट है, अरब सागर बंगाल, अरब सागर के भी दो पार्ट है। अगर कभी ध्यान दिया ऐसे, एक तो है कच्छ कारण और एक है खंबात की खाड़ी, समझोगे इसे? वो या तो सीधा पूछेगा अरब सागर की ओर जाने, लेकिन वो अगर डीपली पूछ ले, जैसे ऊपर ये नदी लूणी है, नीचे ये माही है, लूणी के नीचे फिर हो गई पश्चिमी बनास और उसके बाद है साबरमती। कई बार वो डीपली पूछ ले कि लूणी नदी कहां जाके गिरती है, कच्छ के रण में कि खंबात की खाड़ी में, अरब सागर। अब उत्तर आप उसे एक्चुअल पूछ लिया उसने, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ऊपर नदी कौन सी है? लूणी। नीचे कौन सी है? माई। ऊपर वाली दो और नीचे वाली दो। देखो आपको पता है क्या? कच्छ की खाड़ी ऊपर है, खंबात की। वर्णमाला में याद रखो, सबसे पहले क आता है यानी कच्छ कारण ऊपर है, बाद में ख आता है खंबात की खाड़ी नीचे। इसका मतलब ऊपर वाली दो नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरेगी, नीचे वाली दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरेगी। और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली मेन एक ही है जो सीधी जाएगी, वो कौन सी है? चंबल। सॉरी, चंबल सीधी नहीं जाती, चंबल। चंबल जाके गिरेगी यमुना में, यमुना जाके गिरेगी गंगा में, और गंगा जाके गिरेगी बंगाल की। सीधी तो कोई नदी नहीं जाती, ये सीधी जरूर जाती है अरब सागर में, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सीधी मेन है चंबल। और चंबल की जितनी भी सहायक है, चंबल की सहायक नदियां है ना, आगे देख लें, कोई सहायक प्रश्न है वहां देख लेंगे, ट्रिक देख लेंगे वो सारी। एक बाणगंगा है, वो ध्यान रखना, किताबें उसको बंगाल की खाड़ी की ओर लिखती है जाने वाली नदियां। लेकिन पिछली बार जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि निम्न में से रुंडित नदी है, और उसका उत्तर बाणगंगा था। अब बाणगंगा नहीं जाती, यमुना तक पहले ही लुप्त हो जाती है, इसका मतलब वो रुंडित नदी में आ चुकी है। 2017 का सेकंड ग्रेड में सीधा सीधा प्रश्न आया था, अब वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वालों में नहीं रही है, तो इसका उत्तर हो गया तीन नंबर। चलो आगे चलते हैं, क्या पूछा है इसने? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे? अच्छा ये तो चंबल पे है, कोई टेंशन नहीं है इसमें तो। देखो चलो मैं थोड़ी सी चंबल नदी के बारे में आपको बताता हूं। चंबल नदी आई, एक बार देखें कहां से क्या, अपने ये है चित्तौड़गढ़ का कटा हुआ पार्ट,
उस पार्ट में प्रवेश करती है, प्रवेश करती थोड़ा सा। अब चंबल नदी पहले एमपी में है, एमपी में इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर। ये कई बार पूछ ले महात्मा गांधी, गांधी सागर बांध कहां है, तो कुछ बच्चे गुजरात कर देते, गुजरात में नहीं एमपी में है। महात्मा गांधी जलप्रपात है, महात्मा गांधी सेतु है और महात्मा गांधी बांध भी है। इसके बाद में कटे हुए हिस्से से चौरासीगढ़ से प्रवेश करते, अपन बांधों का जिक्र करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में एक बांध है राणा प्रताप सागर, थोड़ा सा ऊपर गई कोटा और बूंदी की सीमा पे फिर एक बांध है जवाहर सागर, और फिर कोटा जिले में आप प्रवेश करोगे, कभी कोटा गए हो तो आप इसी को पार करके जाओगे, इसी बांध को, उसका नाम है कोटा बिराज। और फिर ये चार बांध है चंबल नदी पे 100 किलोमीटर के दायरे में। सबसे ज्यादा इनका प्रश्न आया आज तक, प्रश्न फिक्स है इसका, चंबल नदी पर स्थित बांधों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, बहुत बार ये प्रश्न आया, आपका गलत नहीं होना चाहिए। गांधी सागर राज्य से बाहर है, अगर आप दक्षिण से शुरू करोगे तो पहले गांधी सागर आ गया। फिर ध्यान रखो जिला कौन सा है, चित्तौड़ है तो राणा प्रताप सागर हो। इनमें कंफ्यूजन है आपकी, कंफ्यूजन हमेशा इसी में होता है, कोटा और जवाहर सागर में। तो इतना ही ध्यान रखो, लास्ट जो है वो कोटा के बाद में कोई बांध नहीं है, इसका मतलब लास्ट बांध है कोटा बैराज। फिर जवाहर सागर एकमात्र ऐसा बांध है जिसका थोड़ा सा हिस्सा बूंदी को भी टच करता है, इसका इधर वाला हिस्सा, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो उत्तर करके आना है जवाहर सागर कोटा। ये एकमात्र बांध है कोटा बैराज जिससे क्या होती है सिंचाई, इन तीनों से विद्युत उत्पादन होता है, ये भी पूछा जा चुका है। इन चारों बांधों का क्रम ध्यान रखना, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से। राणा प्रताप सागर कहां हो गया, चंबल नदी पर, ठीक है। नदी जिसका उद्गम एमपी से है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उडेलती है, अच्छा कौन सी खाड़ी में डालेगी, ये एमपी से उद्गम है और खंबात की खाड़ी, कोई समस्या नहीं, ये नदी होगी, ये देखो इधर से आई एमपी से, खांडूगांव प्रवेश, ऐसे मारा यूटर्न और इधर जाके कौन सी खाड़ी में, खंबात, क्यों मैंने बताया था नीचे वाली खंबात, कौन सी नदी है, माही। नदियों के प्रश्न कैसे याद करने, नदियां अगर याद नहीं हो रही है, एक तो सहायक नदी याद रखना, नदी पर कोई फेमस बांध याद रखना, त्रिवेणी संगम रट लेना, मैन नदी जैसे चंबल, सिर्फ मैन नदी कहां से निकलती है, कौन कौन से जिले कहां से, इतना ही। सहायक नदियां अगर उद्गम नहीं याद हो रहा है तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो, क्योंकि मैन नदी ही पूछते हैं, मैन नदियों का ध्यान रखना, जैसे चंबल, बनास, गग्गर वगैरह मुख्य नदियां, सहायक नदियां नहीं याद रहो, इतना ही ध्यान रख लेना कि ये इसकी सहायक नदी है। जो नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करे, पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती, यही है, दक्षिण से आई, दक्षिण में मुड़ गई, माई है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी जो करक रेखा को दो बार काटती, यही है, ये लो कितनी बार आएगा इसका, ये लो करक रेखा को दो बार काट दिया, करक रेखा को दो बार काटने वाली माही, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली, विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है, भूमध्य रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है, अफ्रीका महाद्वीप में ये दोनों नदियां, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रखो किस नदी को बागड़ कांटल, ये जो क्षेत्र है ना ये दक्षिण राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान की गंगा भी माई है, कांटल ये क्षेत्र कांटल की गंगा भी यही है, बागड़ की गंगा, ये क्षेत्र बागड़ है, बागड़ की गंगा भी यही है, ये सारों आदिवासियों की गंगा भी यही है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, ऋग्वेद में राजस्थान की तीन नदियों का जिक्र किया गया है, सरस्वती, दस्तवती जयपुर के आसपास थी, और एक अपाय। ऋग्वेद में राजस्थान की तीन नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दस्तवती और अपाय, ये सरस्वती होगी। आहाड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आयड़ नदी, अच्छा आहाड़ लिख दिया गया, आयडाई है, आयड़ नदी, आयडाई, थोड़ा सा आगे इसके किनारे एक सभ्यता है आहाड़ सभ्यता, इसके बाद में ये नदी गिरी है किसमें, उदय सागर झील में, और यहां से निकलते ही क्या बन गई है, बेड़च, फिर आगे जाके गिर गई, जैसे इधर से आएगी ये होगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, आहोड़ और काली सिंध, चित्तौड़ दुर्ग हो गया, गंभीरी बेड़च के संगम पे, इधर से गंभीरी आएगी, इस पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग,
तो अब अगर प्रश्न आए ना, आहड़ सभ्यता आयड़ के किनारे ना कि बेडज के, क्योंकि उदय सागर से पहले है, आ से आयड़ आ से आहड़, और जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो आयड़ और बेडज नहीं, गंभीरी गंभीरी और आयड़ के नहीं, गंभीरी और बेडज के किनारे, यानी उदय सागर झील के बाद ही इस नदी का नाम हो जाता है बेडज। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न है, सबको पता है लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी। निम्न से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? इसके मामले में चंबल ही आएगा, इसका कोई मुकाबला नहीं। नित्यवाही बारहमासी नदी है, बाकी नदियां तो लगभग किताबों में बहती है, मेन नदी यही है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखो लवणवती, लवणवती का परिष्कृत रूप है लूणी, वो चर्मणवती का परिष्कृत रूप है चंबल, तो क्या हो जाएगा? चर्मणवती। निम्न से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? विख्यात है, कुख्यात है, कुख्यात ही होगी। देखो उत्खात स्थलाकृति किसे बोलते हैं? बीहड़ को। व्हाट इज बीहड़? एक होता है बीहड़, एक होता है बीड़। बीड़ तो बेवज का सेखावाटी में अपने घास का मैदान है। बीहड़ क्या होता है? नदी अपने साथ मिट्टी को काट देती है बहुत गहराई तक, और ये जो गहरे खड्डे हैं इन्हें ही कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति या फिर बीहड़, जो कि डाकुओं की सनस्थली मानी गई है। चंबल नदी जहां जा सब नदियां बनाती है, लेकिन राजस्थान की एकमात्र नदी चंबल ये जो बीहड़ बनाती है, बाकी पथरीले क्षेत्रों से बहती है। तो बीहड़ जो है वो डाकुओं की सनस्थली, सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो स्वामी माधोपुर में है, और उसी क्षेत्र का नाम है डांग। एक लाठी एक डांग है, डांग भी यही है। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? ये तो एकदम आसान सा प्रश्न हो गया। चंबल आई नीचे से, कटे में जिले में प्रवेश किया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर कोटा, कोटा के ऊपर बूंदी, बूंदी के ऊपर स्वाई माधोपुर, उसके ऊपर करौली और उसके ऊपर धौलपुर। ये आप तभी याद कर पाओगे जब आपके मैप ध्यान में हो, क्योंकि नदी कोई जंप नहीं मारेगी बंदर की तरह, सीधे जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गई, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? कोटा, बारह, स्वाई माधोपुर, अच्छा बारह हो गया, बारह में नहीं है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो वही प्रश्न हो गया, चित्तौड़गढ़ से है ही, झालावाड़ से है ही, कोटा, दोनों। ये क्या कर दिया इसने, चित्तौड़गढ़ से, अच्छा झालावाड़ हो गया इसका उत्तर, वन रक्षक में ना। राजस्थान राज्य किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? क्या पूछ लिया इसने, अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? साबरमती का, माई का भी है, पश्चिम बनास का भी है, वाक्कली हो फिर इसका उत्तर अगर होगा तो, फिर आरएस में आए भी माई का अच्छा है। साबरमती नदी का भी वैसे राजस्थान में तो नहीं है इसका, फिर साबरमती होगी, क्योंकि राजस्थान में ओनली 40-45 किलोमीटर है, बाकी पूरी गुजरात में है। चलो देखना पड़ेगा, आप कमेंट करके बताओ इसका क्या हो सकता है उत्तर। पश्चिम बनास भी नहीं है तो वाक्कली या साबरमती, साबरमती होनी चाहिए मेरे हिसाब से। किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? वही प्रश्न हो गए सीधे, माई इधर जाती है तो चंबल हो गई इसका उत्तर। तो आसान प्रश्न है वो, एक बार ज्यादातर प्रश्न यही आए। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज? देखिए ये भी हैंगिंग ब्रिज देखना है तो चंबल नदी पर जाओ, मिल जाएगा, चंबल नदी पर बनाए गए हैंगिंग ब्रिज। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की हो जाएगी। देखो चंबल नदी सहायक सहायकाओं सूत्र रखो, बिट्टू, बिट्टून, पिट्टू, केट्टू, M2, बिट्टू केट्टू M2 पिट्टू, बनास, बामनी, काली सिंध, कुराल, मेज, पार्वती, परवन, मेज, मांगली, परवन, पार्वती। ये चंबल नदी का सूत्र है, बिट्टू केट्टू M2 पिट्टू, बनास, बामनी, परवन, पार्वती, काली सिंध, कुराल, मेज, मांगली, हो जाएगी चंबल की। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युगम है? दक्षिणी दिशा से एक तो चंबल आएगी, एक माही आएगी, इसका उत्तर क्या है? चंबल, बनास नहीं आएगी, चंबल और माही आएगी। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, बहुत अच्छी, जलप्रपात होता है ऊपर से जो जल गिरता है वो होता है। चय से चूलिया, चय से चंबल और चय से चित्तौड़गढ़, चंबल और बामनी के संगम पे है वैसे चूलिया जलप्रपात।
चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे, चित्तौड़गढ़ में। इसमें क्या पूछा है, चंबल ही पूछा है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गोरप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात 255 मीटर, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल वेनेजुएला में। वेनेजुएला के, वेनेजुएला की सहायक है कोरो नदी, उसके ऊपर है ये, वेनेजुएला में है ये। तो बहुत ऊंचा है, 1 किलोमीटर 979 मीटर, बहुत शानदार दृश्य होता है। एंजिल जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपरी प्रदेश है। देखना ये तो बहुत अच्छा जलप्रपात है, लोग देखने जाते हैं कभी नेट पे गूगल पे देखना, एक लाइन सी दिखती है दूर से। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल वेनेजुएला की सहायक कोरो नदी पर 979 मीटर। भारत का जोग गोरप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात और राजस्थान का चूलिया चंबल चित्तौड़गढ़। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बनास हो जाएगी, पूरी बनास है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, वैसे चंबल है लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बनास ही। बनास नदी किस जिले समूह से नहीं गुजरती? अच्छा, बनास का जिला देखना है, कोई नहीं देख लेंगे। ये है राजसमंद, राजसमंद से निकली नीचे फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर और इधर से आ जाएगी चंबल। तो उदयपुर कट जाएगा इसमें, इसमें भी उदयपुर कट गया, इसमें भी उदयपुर कट गया, इसके अनुसार उदयपुर सब में रहेगा। चलो चलो एक बात का तो पता चला उदयपुर से, लेकिन कुछ किताबें नहीं मानती क्योंकि ये उदयपुर की सीमा से बहती, थोड़ी सी टच करती है, इसलिए कुछ किताबें उदयपुर को नहीं लिखती थोड़ा, क्योंकि राजस्थान की बड़ी बड़ी नदियां 6-6 जिलों से गुजरती है। चलो इसने उदयपुर लिख दिया तो कोई बात नहीं, टच करती है थोड़ा सा तो मान लेते हैं, फिर और कोई जिला काटना पड़ेगा। ये तो कट गया, चित्तौड़गढ़ है, टोंक है, उदयपुर ये कट गया, इसमें बूंदी कट गया, गुजरती है इससे बूंदी कट गया, इसमें कौन सा ऑप्शन कटेगा फिर, सब में जाती है इनसे भी। बनास नदी किस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है, इसका मतलब ये उत्तर हो गया इसका, चित्तौड़गढ़ भी है, भीलवाड़ा भी है, उदयपुर है, उदयपुर है, बूंदी हो जाएगा फिर, ये कट गया, इस समूह से नहीं गुजरती, इससे भी गुजरती है टोंक स्वयं, इससे भी गुजरती है, ये उत्तर होगा दो नंबर, बूंदी से नहीं जाती। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से, यही हो जाएगी बनास। कौन सा युगम सही है, किस हिसाब से पूछ रहा है अभी, ये सही है किस हिसाब से पूछा है इसने, जाखम माई की सहायक है शायद, इस हिसाब से पूछा होगा। बाणगंगा चंबल का कोई संबंध नहीं है, कोठारी लूणी का कोई संबंध नहीं है, सूकड़ी बनास का कोई संबंध नहीं है, तो ये सहायक ही पूछिए फिर, जाखम माई की सहायक है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्ण पूर्व से पश्चिम दिशा से निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम, यानी इधर पहले कौन सी नदी आएगी, फिर इधर कौन सी, फिर इधर कौन सी, फिर इधर कौन सी, ये प्रश्न पूछा है। चलो हमें नहीं आता, हम इसको खोजेंगे प्रश्न को। ऑप्शन कौन कौन सा है, बनास है, काली सिंध है, चंबल है और पार्वती है। सबसे अंत में तो इधर बनास है, ये इसका मतलब बै जो होगा किधर से किधर की ओर पूछा है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम में अंतिम बनास होगी बै, यानी बै आना चाहिए लास्ट में। ये लो इसमें तो है ही एक जगह ही, और भी कहीं है ही नहीं, इसका मतलब उत्तर तो ऑटोमेटिक ही बाहर आ गया। और चेक करते हैं अपन, यानी सबसे इधर होगी बनास इस उत्तर के अनुसार, फिर ए है चंबल, ठीक है मान लिया, फिर इस उत्तर के अनुसार द काली सिंध, और फिर स पार्वती, बिल्कुल पार्वती इधर से आती है, फिर काली सिंध है, फिर चंबल है, फिर बनास है, बिल्कुल सही उत्तर इसका 4 नंबर ही होगा। बिसलपुर बै पर भी, बनास पर बिसलपुर बहुत फेमस बांध है, बिसलपुर टोंक का,
क्योंकि ये गर्मियों में बड़ा चर्चा में रहता है, जयपुर को जलापूर्ति यही करता है, टोंक को जलापूर्ति यही करता है, इसलिए फेमस बांध है बिसलपुर, बै पर भी, बनास पर, बिसलपुर टोंक में। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, यानी जो अंदर ही अंदर, साबी है, कांतली है, कांकनी है, खारी, खारी को नहीं, तीनों जी, खारी भी यहां तो सहायक नदी है, एक लूणी की भी है और एक बनास की भी है। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता, यानी आंतरिक प्रवाह की नदी पूछ रहा है, साबरमती जाती है, कांतली नहीं जाती, कांतली हो जाएगी क्योंकि आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव की दृष्टि से लंबी नदी। सुमेलित कीजिए, अच्छा त्रिवेणी संगम पूछा है, चलो पहले मिलान करते हैं, ये चार ही त्रिवेणी संगम है, भी रट लेना इनको। सबसे पहले हमें जो पता है वो देखते हैं, मुझे पता है आप सब जानते हो बेणेश्वर वाला, सोम माही जाखम, ये त्रिवेणी संगम हर कोई जानता है, इसका मतलब ये ए बी सी डी होना चाहिए, ए बी सी डी, डी का चार, डी का चार दो के अंदर है, कोई बात नहीं। फिर मुझे पता है आप रामेश्वर घाट वाला जानते हो, यानी सो बनास, चंबल, बनास और सीप, यही तो है, चंबल, बनास और सीप, रामेश्वर घाट, यानी सी का तीन नंबर दोनों में है। अच्छा फिर है बनास राजमहल, फिर कौन सा पूछा है, दो तो हमने निकाले, बिगोद, बिगोद पड़ता है भीलवाड़ा में, बनास बेड़चोर मेनाल, बनास डाई और खारी, ये तो राजमहल में मिलता है, ये जो बिसलपुर बांध है ना उससे पहले मिलती है बनास डाई और खारी, इसका मतलब ये सीधे ही है, ये चार ही मैन त्रिवेणी संघ में, इनको थोड़ा रट्टा मार लेना, सूत्र उत्तर करके देख लेना, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, तीन नंबर। के पूछिए, सुमेलित कीजिए, सहायक नदियां पूछी है, यही होगा शायद, चलो देखते हैं क्या पूछा है। लूणी की सहायक, लूणी को सहायक है जमाई, यानी एक का तीन नंबर, सबसे पहले ये ढूंढो, एक का तीन नंबर, अरे उत्तर अपने आप ही निकल के आ गया, बाकी ये में तीन नंबर किसी में है ही नहीं, तो माही की सहायक हो जाएगी सोम, साबरमती, वाकल और काली सिंध परवन। अनास एराव सोम किस नदी की सहायक है, ये तो माही की है, नॉर्मल पर्सन है ये तो। लूणी नदी निम्न में, लूणी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, बहुत अच्छा प्रश्न है। लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी इस दिशा से आती है, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व है, एकमात्र नदी जोर लगा के जोजड़ी जो है वो इधर वाली दिशा से आती है, यही उत्तर होगा इसका, जोजड़ी उत्तर हो जाएगा इसका। पूर्व में जब गग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी, ये पहुंच जाती थी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, ये अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्या कोई और नदी है अंतरराष्ट्रीय, किताबों में ये, किताबों में ही वो है, ये भी नहीं जाती कभी, कोई गई होगी मुझे तो नहीं लगता 50-60 सालों में कभी गई होगी पाकिस्तान तक, वर्षा होती नहीं। राजस्थान की एक नदी कांकनी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी झील, वो बुद्ध झील उसके बाद में बताते मिठा खाड़ी पाकिस्तान तक चली जाती थी, तो वो भी एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय, लेकिन उत्तर उसका यही होगा, अंतरराष्ट्रीय नदी राजस्थान की एकमात्र मानी गई है घग्गर। निम्न से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, हेलो बाणगंगा खुद ही नदी है सहायक की, नॉर्मल है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्न से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है, ये क्या पूछ लिया इसने, ये तो भाई इसका सतलज ये होगा, इंडिया लेवल का प्रश्न हो गया ये तो, गग्गर और सतलज नदियों द्वारा है, डी। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है उत्तर थली और तली, थली हो जाएगा, ऊपरी भाग जो है ना, यानी एक तरीके से मरुस्थल के ऊपर भाग को थली बोलते, नीचे वाले को तली बोलते। किस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता, वह है बताओ भी, अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता, यानी अरब सागर की ओर जाने वाली नदी, खारी मान लेते हैं एक बार, चलो सूकड़ी लूणी की सहायक है जाती है, साबरमती जाती है, जमाई जाती है, तो खारी जो है ना एक बनास की भी सहायक है, इसका मतलब इसका उत्तर, हाँ खारी लूणी की भी सहायक है लेकिन इसका उत्तर खारी होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है,
बहती है, साबरमती हो गई, अरब सागर में जाती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी? बहुत अच्छा प्रश्न था ये, आरएस परी में आया था। अब तो सबको पता है कि बालोतरा में बाढ़ आएगी, क्योंकि ये पूरा जैसे, क्योंकि आप कहोगे सर कैसे, देखो अजमेर से निकली ये नदी, कौन सी, लूणी, अजमेर के बाद में जाएगी नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालौर। अब यहां रह गया बालोतरा, यहां रह गया अजमेर, तो यहां बारिश होगी ना, तो फिर सर्वाधिक बारिश, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहां बारिश होगी तो नदी में जलाएगा, नदी में जलाते ये बालोतरा जो है ना नदी के पेटे से नीचे है, वो पूरा पानी यहीं इकट्ठा हो जाएगा, तो बाढ़ फिर कहां आएगी? बालोतरा। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उनके पास की नदी पेटे से स्तर से नीचे, ये बालोतरा ही है। निम्नलिखित में से राजस्थान की के कौन सी जिलों में नदी नहीं है? नदी नहीं वाला जिला बीकानेर, चूरू है, वैसे गंगानगर भी है, लेकिन वो अगर चूरू को मान रहे, चूरू में कांतली नदी जाती है जो 2010 में गई थी, तो ये ऐसे जोड़ों में आया, तो किताबें भी यही लिखना शुरू कर दी, बीकानेर चूरू, वैसे गंगानगर में भी कोई नदी नहीं है इस हिसाब से, लेकिन ये दो थोड़ा ध्यान रखना। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, वही त्रिवेणी संगम का प्रश्न है, गंभीरी बेरच और मेनाल, गंभीरी बेरच और मेनाल। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? मानसी और वाकल नदियां, ये नदियां मानसी वाकल, ये किसकी सहायक है? साबरमती की सहायक है, अरावली की श्रृंखला, अरावली श्रृंखला तो निकले निकले, फुलवारी नाल, ये मानसी वाकल, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, बिल्कुल यही है। फिर गोगुंदा की पहाड़ियां नहीं, अरावली, अरावली श्रृंखला तो सारी निकले, वैसे तो अरावली की श्रृंखला से ही निकलती है मानसी वाकल भी, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से, फुलवारी नाल, अच्छा ये तो अजमेर, फुलवारी शायद इसका उत्तर अरावली श्रृंखला, अरावली श्रृंखला से तो सभी नदियां ही निकल रही है, फुलवारी नाल अभ्यारण्य भी बनता है इसका उत्तर, तो चलो एक बार संशय में है आपके लिए छोड़ देते हैं, फिर कमेंट में बताएंगे फिर कौन सा होगी। ये उदयपुर में निकलती है ये मानसी और वाकल, साबरमती की सहायक है, ऐसे गोगुंदा के नजदीक से निकलती तो आई, देखेंगे फिर। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है? चुलिया, चंबल, चित्तौड़, राजस्थान में है, मेनाल भी भीलवाड़ा में, ये भी राजस्थान में है, ये क्या उत्तर दिया है इसने, सीख नहीं है, जोग जलप्रपात नहीं है, तो मेनाल भी तो भीलवाड़ा में, दोनों उत्तर कैसे दे दिए इसने, चुलिया मान लेते हैं भी और क्या। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा नदियां पाई गई है? तो नदियां तो कोटा वाले संभाग में, मरुस्थले बुज नहीं बुज है, बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बुज झील में तो कांकनी नदी जाकर गिरती है, कांकनी मसूरदी जो है ना वो। राजस्थान में कौन सी नदियां है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? अच्छा वो चारों ही पूछ लिया, वो आपको बता चुके हैं, आराम से आप इसका उत्तर निकाल लोगे। बंगाल की खाड़ी में गिर, देखो ये प्रश्न आ रहे बार बार, ये भी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां आराम से उत्तर निकाल लोगे आप इसका, बनास, संबल और काली सिंध हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित कीजिए, क्या पूछा इसने, सहायक नदियां पूछी है, निकाल लेंगे आराम से, सबसे पहले जो पता है वही निकाल लेते हैं। लूणी की सहायक नदी, लूणी की सहायक है सुकड़ी, डिलड़ी और जमाई, जोजरी, सगाई में सुकेड़ी मिठाई लाओ, और लूणी नदी की सहायक नदियां सूत्र है, तो लूणी हो गया सुकड़ी, यानी सी का दो, सी में दो, सिर्फ दो जगह, तो इसका मतलब दो उत्तरों तक हम पहुंच गए। चंबल की सहायक है पार्वती, यानी ए का चार नंबर, ए का चार नंबर सिर्फ इसमें, इसका मतलब उत्तर इसका ये हो जाएगा। बनास की सहायक हो जाएगी खारी, और माही की सहायक हो जाएगी सोम। कांटल की गंगा कामधेनु नाम से प्रसिद्ध नदियों में से, कांटल की गंगा माही है और कामधेनु बोलते हैं चरमणवती या चंबल नदी को, तो उत्तर हो जाएगा माही और चंबल। बीकानेर प्रवाहित होने वाली नदी, बीकानेर में कोई नदी नहीं है, क्या प्रश्न पूछा है। अजमेर में अन्ना सागर झील में, अन्ना सागर झील में नदी कौन सी गिरती है, तो चंद्रा या लूणी नदी पर यह बनाया गया था बांडी। अजमेर के अन्ना सागर झील से किस नदी का पानी आता है, बेड़त साबी, कांकनी, इसमें तो एक हिसाब से बांडी नदी होनी चाहिए, लेकिन लूणी है, इसका उत्तर अन्ना सागर झील से लूणी नदी कह सकते हो, या चंद्रा नदी पर जल रोककर बनाई गई थी झील। सोम नदी निकलती है बिछामेड़ा पहाड़ी से, निकलती है सोम नदी भाई, ये
वाकल वत्रक मेस वो हथनली सहायक नदियां वो हो। इन नदियों की कभी नाम ही नहीं सुनी, एक ही पकड़ सकते हो, वाकल मानसी और वाकल साबरमती की सहायक है, इससे ही उत्तर निकाल सकते हैं। इसका उत्तर साबरमती होगा, जयन में आया, अच्छा प्रश्न है। सुमेलित करना है, हो जाएगा, यानी कहां से निकलती है यह प्रश्न पूछा है। बाण बैराट से, कांतली खंडेला की पहाड़ी से, दों का अगर साबी सेवर की पहाड़ियां, कोटड़ी कांकनी कोठारी है, कोटरी नहीं है, तो ये होगा इसका उत्तर। निकाल सकते हैं आराम से, नीचे फिर ढूंढ लो आराम से कौन सा हो जाएगा। एक में एक नंबर, ए में एक नंबर सिर्फ इसमें ही है, बी में चार नंबर, बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा इसका, नॉर्मल है। विंध्य कगार भूमि किन नदियों के मध्य, बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार ही आया था भाई। हाड़ौती का पठार दो पार्टों में, ये हाड़ौती का जो पठार है ना, ये तो मालवा का भाग है, और ये हाड़ौती का यहां जो है ना वो विंध्य कगार भी, क्योंकि यहां विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां हैं, तो इसमें ये स्वाईमाधोपुर करौली धौलपुर क्षेत्र आएगा। तो बनास और चंबल के बीच में, चंबल और बनास नदियों के बीच में, क्योंकि इधर से चंबल इधर से बनास है। अच्छा प्रश्न था ये, 2017 में आया था सेकेंड ग्रेड में। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, माही जाखम सुमेलित है, चलो छोड़ो एक बार इसको, लूणी सुकड़ी सुमेलित है, चंबल ये बनास हो जाएगी, मेज बनास की सहायक नहीं, चंबल की सहायक है, मेज मांगली जो। सांबर झील में नहीं गिरने, सांबल में नदियां गिरती है, खारी खंडेला मेथा रूपनगढ़, कांतली हो जाएगा उत्तर, वो कांतली तो कहीं नहीं गिरती। लूणी नदी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, अच्छा प्रश्न है भी। गवारगम नहीं, इंजीनियर नहीं, एंडी नहीं, रंगाई छपाई का उद्योग बाड़मेर साइड में ज्यादा होता है, तो उसका उत्तर होगा रंगाई छपाई, सेकंड ग्रेड में आया भी, अच्छा प्रश्न है। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित नदी है, ये लो 2017 वाला, इसका उत्तर आप कोई नहीं निकाल सकते बाणगंगा के अलावा। वाकल साबरमती की सहायक है, खारी लूणी की सहायक है, कोठारी नदी ये किसकी सहायक हो जाएगी, कोठारी मेज मांगली कोठारी, ये बनास की सहायक है कोठारी, तो इसका उत्तर बाणगंगा था, वर्तमान किताबें गलत लिखती इसको। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, बिल्कुल सही कथन है ये तो। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग नहीं, केवल सिंचाई नहीं, इससे बांध भी बनते हैं, तो ये तो गलत है, कथन ए सही है और कथन आर गलत है, ए सही है, ए सही है, आर सही है, नहीं ए सही है, ए गलत है, ए सही है, आर गलत है, तीन नंबर होगा इसका। पाली जिले किस नदी का उद्गम होता है, पाली जवाई को है, सुगड़ी को भी पाली में, लेकिन जवाई से ही होगा ज्यादा, सुमेरपुर पाली निकले। लीलड़ी मीठड़ी बांडी सुकड़ी किसकी सहायक है, लीलड़ी जवाई जोजरी सगाई सुकेड़ी मिठाई लाई लूणी की सहायक है। आदि खारी आदि मीठी लूणी है, बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है, आदि खारी आदि मीठी नदी है लूणी। खारी एवं मोरेल किस नदी की सहायक नदी है, खारी और मोरेल ये तो हो गई बनास की सहायक, बनास। कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में, नॉर्मल है माई है, माई का प्रश्न ज्यादा आ रहा है अभी। निम्नलिखित में से राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसमंद झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जैसमंद झील कहां स्थित है, उदयपुर में, नॉर्मल प्रश्न है ये भी। वह झील जिसमें एक टापू आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है, जैसमंद है आइसलैंड होटल है भाई जयसमंद, और को नहीं है, डीडवा नाम क्या तो सांबर उत्तर कटियो राजसमंद बिया कटियो, तो आप उत्तर तक वैसे भी पहुंच सकते हो। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है, सर्वाधिक पलाया झील होता है, खारे पानी की बड़ी झीलों को बोलते हैं जैसलमेर में। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो खारे पानी की झीलों का एक सूत्र आपको आता होगा वो ध्यान रखना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ी, ये खारे पानी की झीलों का सूत्र है। इससे अलावा जो झीलें बची हैं मीठे, सा से सांबर, डी से डीडवाना, कावोद, काछोर, पंचपदरा, लूणकर्ण, कुचामण, ताल छापर, फलोदी, डेगाना और रेवासा, फाड़े रे कर देना, ये खारे पानी की झीलें, बाकी बच गई वो मीठे पानी की हो गई, कायलाना उत्तर होगा इसका। कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है, वही सूत्र लगाओ इसमें हो जाएगा, कायलाना है। निम्न से कौन सी खारे पानी की झील है, देखो कितने प्रश्न आ गए, पंचपदरा हो गई,
राजस्थान ने किस प्रसिद्ध झील को नटनी का चबूतरा बहुत अच्छा राजस्थान पुलिस में आया था, पिछोला झील पे। जग मंदिर वही है, जग निवास वही है, करणी माता का मंदिर है वहां जहां रोप वे खुला था वो भी वही है पिछोला झील में, और ये नटनी का चबूतरा भी यही है। जग मंदिर ये दोबारा आ गया, पिछोला झील में जग मंदिर जग निवास। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, इसमें कनाडा दे रहा है भी, उस समय करंट के हिसाब से पूछा होगा, आप तो नहीं पूछेंगे इसको। राजस्थान की पवित्र झील है पुष्कर है, और राज्य सरकार ने सबसे पवित्र झील की घोषित की थी, राजसमंद को ध्यान रखना दोनों प्रश्नों का। इंग्लैंड की महारानी मेरी 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 यानी कि मेरी वह मेरी आई पुष्कर में। पंचपदरा किस वस्तु को निर्माण बड़े पैमान नमक हुए, पंचपदरा झील है। खारे पानी की झील निम्न से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है, डीडवाना नागौर पंचपदरा बाड़मेर में। कौन सी झील खारे पानी की है, वही उत्तर निकल के आ जाएगा डीडवाना, वो खारे मीठे का सूत्र ध्यान रखो बाकी सारी हो जाएगी। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख, राजसमंद झील पे राज सिंह ने 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा राज प्रशस्ति लिखवाई थी, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। जितना इतिहास मेवाड़ का इतिहास है जितना इसमें आया उतना आया, बाकी लिखा गया किस पुस्तक में, अमर काव्य मंसावली में। ये रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति राजसमंद राय प्रशस्ति बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में, दोनों ध्यान रखना। वह झील जिसके तट संगमरमर के 25 शिलालेख, ठीक है राजसमंद हो गया, पूरे हो गए क्या, क्या हुआ इसके 94। राजस्थान की कौन सी झील में प्रपात नील हरित सेवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है, ये तो मोती झील है भी, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कराया था 1680 ईस्वी में, थोड़ा से ध्यान रख लेना इसको, राजसमंद झील इंपोर्टेंट झील है। कौन सा सही नहीं है, राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्य खारे पानी की झीलें, बिल्कुल सही बात है। सांबर झील क्या पूछा है, नहीं कौन सा एक सही नहीं है, ये तो सही है, ठीक है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, चलो एक बार छोड़ो मान लेते हैं सही है। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ये तो नक्की है। राजसमंद झील उदयपुर से, राजसमंद उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में ही, इसका उत्तर ये हो जाएगा। कोलायत बीकानेर में, गेब सागर डूंगरपुर में जहां पर कालीबाई का स्मारक बना हुआ है वो। गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। सिलीसेड झील किस जिले, सिलीसेड अलवर में हो गई पर्सन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, जस्ट आगे थोड़े से टॉपिक बचे हैं उनके भी देख लेंगे आप, इनको दो तीन बार देखें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रश्न सोल्व कर पाओगे, ज्योग्राफी में आपको कहीं समस्या नहीं आएगी एग्जाम में, आगे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।